Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sunny Nonstop. It's me guys, we are Sunny and you are watching Sunny Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है वापस से जो है वो अदृश्य, ठीक है, इनका नाम शायद यही है, ठीक है, ओमेगल माय क्यूट बेगम फ्रॉम पाकिस्तान पार्ट टू. इसकी रिक्वेस्ट जो है मुझे ओमेगल पे गई नहीं, मैं तो कभी ओमेगल पे गई नहीं. इसकी जो रिक्वेस्ट है मुझे इंस्टाग्राम और उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर भी काफी लोगों ने बोला कि हमें इसका जो है वो सेकेंड पार्ट चाहिए, तो मैंने कहा क्यों नहीं, ठीक है. तो कुर्सी की पेटी बांध ले, ठीक है, और जो है ना मेरे लिए ये जो होता है ना फर्स्ट पार्ट के ऊपर रिएक्शन देना वो मेरे लिए कोई इजी नहीं था. जम के जो है वो बेइज्जती की गई पाकिस्तान की इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो है मैंने इस चीज को एक फन वे में लिया, क्योंकि मैं किसी चीज को ऐसे नहीं नेगेटिव वे में नहीं लिया, ठीक है. वो भी ओमेगल पे बैठ के मस्ती मजाक कर रहे थे, ठीक है. अभी इसका सेकेंड पार्ट जो है ना उसके ऊपर मुझे काफी लोगों ने बोला कि नेक्स्ट जो पार्ट है ना उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाओ, तो फटाफट से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट. लेकिन उससे पहले गाइस जितने लोग ने मेरे चैनल पर जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइस प्लीज फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर. आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी. बाकी की बातें साथ साथ तो वीडियो को लास्ट में होगी, मेक श्योर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. तो चलो शुरू करते हैं. तो स्टॉप. दामाद है वो पाकिस्तान का, आटा ले लो. इनको इंडिया में लाने के लिए क्या कीमत है? कश्मीर ऐसी लाखों लड़की कुर्बान. अबे इंडियन ये टीका क्या लगाया हुआ है? फुल लड़की. हिंदुस्तान को बचा के ऐसा ना हो सब उल्टा पड़ जाए. हिंदुस्तान को किससे बचाओ? गरीबों से. आटा मांगने वाले आजकल बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं. आटा ले लो. वैसे आपको लाइक बॉलीवुड पसंद है? डू यू लाइक बॉलीवुड? हाँ बिल्कुल. कोई बॉलीवुड का फेवरेट सुपरस्टार? शाहरुख खान. शाहरुख खान, आपको पता है उन्होंने भी एक जस्ट एक मूवी साइन करी है. कौन सी? आटे की कीमत. और सबसे बड़ी चीज क्या क्या? फॉर रियल. और उसमें पता है आपको पाकिस्तानियों का भी रोल है. किस चीज का रोल है? आटे मांगने का. म्यूजिक. आप आओगे? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्या हुई? बातें बुलवा लो. आप कुछ सिखा दो मेरे को. क्या सीखना है बताओ? मोहब्बत करना. नहीं, हमारी एक्सपर्टाइज में नहीं है. क्यों? आप लोग मोहब्बत नहीं करते? करते हैं, जो मोहब्बत के लायक होते हैं. कजन से हो जाती है मोहब्बत? एक मैं आपको वो चुटकुला सुनाऊं? चुटकुला लाइक जोक सुनाइए. तो पाकिस्तान में स्त्री होती है और उसका बेटा होता है, दोनों सोफा पे बैठे होते हैं, ठीक है. तो उसका बेटा उनको बोलता है कि मम्मा मम्मा मैं आपसे ना गुस्सा हूँ. तो माँ बोलती है क्यों, मेरे से गुस्सा क्यों है? तो बोलती है मम्मा सबके मामू आते हैं स्कूल में बट मेरे मामू नहीं आते. तो वो जो स्त्री थी ना अपने हस्बैंड की तरफ हंस के देखती है. क्या बोलेंगे मामा या अब्बू? कौन किसका अब्बू है सबको पता है. एक सेकंड देना मेरे को. ये क्या है? अब्बू. और ये भारत. मान लिया ना, अब्बू भारत. What the hell? कौन है अब्बू? ये काम कर करके आप खुश होते? नहीं नहीं नहीं, एक दिन अखंड भारत करके खुश होऊंगा. अच्छे ख्वाब देख लेते हैं आप, पर अफसोस पूरे नहीं हो पाएंगे. अब देख तू. बिल्कुल, कल रात मैंने बहुत बुरी ख्वाब देखी थी. क्या? आयशा. और पाकिस्तानी लड़कियों के पीछे पढ़ने के अलावा क्या काम करते हैं? पाकिस्तानी लड़कियों के पीछे नहीं पढ़ता मैं, पाकिस्तान के पीछे पढ़ता हूँ. लड़कियाँ इधर नहीं है, उधर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है इधर. तो आपको पाकिस्तान के बारे में पता ही क्या है? वी आर गुड इन एवरीथिंग, वी रिस्पेक्ट एवरी पर्सन. आप लोगों के औकात से बाहर है, आप चाहे तो गूगल करके देख ले. ये इंग्लिश भी गूगल से किया है. Shut up. बस आपको बोलना आता है. वहाँ के लोगों को मिर्ची जल्दी लग जाती है क्या? लड़कियों को गुस्सा जल्दी आ जाता है. मैं हिंदुस्तान नहीं आऊंगी. क्यों नहीं आऊंगी वही पूछ रहा हूँ ना मैं. फिर आपको सवार आपके बिना क्या करेगा? इतना खूबसूरत हो गया ऐसे देख रहा आपने को. पसंद आ गया? बात कर लो आपके अब्बू से. जी नहीं. क्यों? मुझे मेरे पाकिस्तान से बहुत प्यार है. तो मुझे भी तो पाकिस्तान से प्यार है. अरे झूठ बोल रहा है. तो आप यहाँ आ जाओ. दो रिश्ता है मेरा पाकिस्तान से, एक तो वो हिंदुस्तान का बच्चा है और मैं पाकिस्तान का दामाद मतलब होने वाला.
हम बाराती बारात लेके। मजा नहीं आ रहा है। तो आप घर जमाई बन जाओ। घर जमाई? अच्छा यार, घर जमाई बनने में तो कोई हर्ज नहीं है, बट यार मैं सोच रहा हूँ जो लोग आटे के लिए चाइना के पास जाते हैं वो लोग दवा का ख्याल रख पाएंगे। कोई फिरे पीछे लाख चोरियां, यूथ सारा होलिया यार का। आपके लिए स्पेशल जैक लगा सकता हूँ, आप इधर आ जाओ। क्यों? हनीमून पे कश्मीर जाया करेंगे। कुछ भी बच्चे भी ऐसे सफेद होंगे ना खीर की तरह। आपकी आंखें इतनी अच्छी, ऐसा मन कर रहा मैं आपके लिए एक शायरी लिख डालूं। इरशाद, नसीली है तेरी आंख, बात करूं तो मैं क्या करूं। नसीली है तेरी आंख, बात करूं तो क्या करूं। बस भूल गया मैं यार आगे की शायरी आपको देखते ही। भैया फंस गए बामन की लड़की के चक्कर में। क्या खाने में क्या पसंद है आपको? चिकन। साथी की बात छोड़ देना ठीक है, आप खाना शुरू कर देना। ऐसी लाखों लड़की कुर्बान धर्म के लिए। मैं चाहूंगा कि आप वहाँ से निकल के यहाँ आए, आप अच्छी चीज सीखोगे। क्या सिखाएंगे आप? आपको मैं मोहब्बत करना सिखाऊंगा। वो तो हमें आता है, आपसे नहीं करेंगे। क्यों? भाइयों से करोगे? जोर का झटका हजारों से लगा। वैसे आप स्मार्ट तो हैं, आई लाइक यू। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप स्मार्ट, मैं स्मार्ट, जब अपन दोनों का कॉम्बिनेशन दुनिया में आएगा तो कितना स्मार्ट रहेगा सब कुछ। फिर तो तबाही मच जाएगी। हाय हाय, तबाही के साथ लेकिन बम बम मत लगा देना और ज्यादा तबाही मचाने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि मेरे को बस एक ही बम पसंद आई। मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। इनको इंडिया में लाने के लिए क्या कीमत है? कश्मीर। मैं जिंदगी भर सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों के स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि दिन में सपने नहीं देखते? आपने बोला और आपको कश्मीर दे दिया ना। आजकल के बच्चे देखो कैसे होने लगे हैं, अब्बू से सीधा हक मांगते हैं। ऐसे जाओ, प्लीज जाओ, आप लोग कश्मीर लेने जाओ वहाँ पे, कि वो देवर वगैरह सबको, जेठ जी सब खड़े बंदूक बंदूक लिए, सबको अलग अलग कश्मीर देंगे। लेकिन आपको कश्मीर चाहिए, मैं आपको कश्मीर दूंगा। पूछो कैसे? कैसे? आपको बस इतना करना होगा कि करना पड़ेगा आपको निकाह, और आपको मैं हर सैटरडे संडे को कश्मीर ले जाया करूंगा हनीमून पे। मुझको ऐसी हाई फाई दिख लगाई। वहाँ पे आप बस के साथ खेलना, और अपने पाकिस्तान में ना आपके दोस्त होंगे ना उनको स्नैप भेजना, ये देखो कश्मीर देखो, सुंदर है ना बहुत ज्यादा। कश्मीर तो ले करेंगे। मिल गया। कश्मीर की स्पेलिंग सुनाना। क्यों सुनाऊं? कश्मीर पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी बोली थी? कश्मीर जो वर्ड है, जैसे लाइक पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, तो वैसे कश्मीर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? और इनको कश्मीर चाहिए। अरे बिकूंगा हलवा है क्या? ये बढ़िया था। पाकिस्तान को सुनो, हम पर ध्यान दो। अब आए ना लाइन पे, मेरा ध्यान ही आप पे जा रहा है। पाकिस्तान ध्यान देने की चीज है? मतलब आपसे खूबसूरत कौन है? फिर इंडिया कब आ रहे हो? जब आप बुला रहे हो तो आप इंडिया आओगे या मैं आ जाऊँ? आपको आपको आना पड़ेगा। देख लो, साथ में आते टाइम क्या पता पूरा पाकिस्तान ही ले आऊँ मैं। ये तो नहीं होने वाला। अरे कोई नहीं, पाकिस्तान की क्या नाम बताया था आपने? आपका नाम आप रहने दो। नाम ही तो बोल रहा हूँ, बेगम बुला लूँ? जिस तरफ देखूं काम खून अगर आए। आप पाकिस्तान में रुक जाइएगा। पाकिस्तान मेरे खर्चे नहीं उठा पाएगा यार। आप जैसे बहुतों के खर्चे उठाए हैं यार। एक मर्द पे स्टिक हो जाओ ना, सबके खर्चे क्यों उठा रहे हो? एक बंदे के साथ रह रहा हूँ ना, ऐसा क्या करते हो कि इतने बंदे आते हैं बताओ यार? आप नहीं समझेंगे। बम बम बनाने की ट्रेनिंग देते हो सबको? समझ गया, आप 10-15 अब्दुल को फंसाते होगे। जा इंडिया में, जा कहीं से घुस जा, तेरे को अगर मैच चाहिए तो इंडिया में कुछ कर क्या पहले, ऐसा करते होगे ना आप? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओए बम फटने की आवाज आई।
बहुत बोल रहे हैं आप, ये दिखाता है कि कितनी छोटी सोच है। अच्छा। वो पाले इसलिए जाते हैं क्योंकि वो किसी का खाना बनते हैं। मतलब जानवर इंसान के खाने के लिए है और सोच मेरी छोटी है। तभी पाकिस्तान के ऐसे हालात है, समझ सकता हूँ मैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अबे इंडियन, ये टीका क्या लगाया हुआ तुझे? हमने जो है वो सेकंड पार्ट के ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बना दी है, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान के यार, मैं तो समझती थी कि लोगों के अंदर लड़ाई नहीं होती, लोगों के अंदर बहसबाजी नहीं होती, लोग आपस में काफी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और जब उमेगल की ये फर्स्ट वीडियो देखिए कि जिसके ऊपर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के लोगों के बीच, आम लोगों के बीच जो है वो बहसबाजी चल रही है। यार वी आर पाकिस्तानी, हम ऐसे नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है वो बड़े पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे क्यों हम लोगों को समझते हैं दैट वी आर टेररिस्ट, और उसके बाद हम बोल तो मुंह से बम निकलते हैं, गोले निकलते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। आप लोगों को मतलब एक तो बंदे ने अगर ऐसा किया तो सारे लोग ऐसे नहीं है, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हमें इस चीज पे प्राउड भी, और हम बहुत खुशी से यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पाकिस्तान का भी आए, आप लोग देखे बहुत खूबसूरत है, बहुत मेहमान नवाज भी हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।